का दे दे मामा मकोया ले मामा। और ये देखो छोटा छोटा सा ये मेमना, वाओ क्यों 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 क्यों, ये देखो इसको पकड़ो भाई, पकड़ो भाई इसको, इनको पहले खट्टा बहुत लगता है, ऐसा है क्या? हे सो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरी नई ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक और मस्त होंगे। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं अपनी बाग में, और इस बाग में बहुत सारे वृक्ष थे, हुआ करते थे। इसको आप इधर देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड में ये बाग था। तो आज घूमने का मन हो गया, तो दोस्तों हमने सोचा आप लोगों को भी अपने बाग के बारे में दिखाया जाए। तो अभी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि मेरा बचपन याद आ गया। हम यहाँ पर आया करते थे, जानवर जिनको हम लोग बोलते बकरी वकरी चराने के लिए आते थे, और वही हम आपको बिल्कुल वही फीलिंग आप लोगों को आज हम फिर से दिखाने वाले हैं। तो लेके चलेंगे जहाँ पर हम कभी अपने दोस्तों के साथ में आया करते थे। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो लेके चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे बच्चे वही काम कर रहे हैं जो आज के 10-15 साल पहले मैं करता था। तो वीडियो में कंटिन्यू रहिए, और हम लेके चलते हैं आपको वहाँ पर जहाँ पर खा रहे हैं सभी बच्चे मकुइया। अरे वाह, तो ये आप देख पा रहे हैं, और बचपन में हम लोग यहाँ पर आया करते थे। और ये सभी बच्चे देखो ऊपर, वाओ क्या जबरदस्त सीन है। और इसको तोड़ ताड़ के इसमें आते हैं ये फल, आप देख सकते हैं छोटे छोटे से फल आते हैं। इनको क्या बोलते हैं? मकुइया बोलते हैं। तो ये मकुइया का वृक्ष आप देख पा रहे हैं पीछे है, और इसको बच्चे सभी बहुत चाव से खाते हैं, और ये पक जाती है तो बहुत खाने में टेस्टी लगता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम भी यहाँ पर खाएंगे, और ये बच्चे भी देखो खा रहे हैं साथ में, और ये भी छोटकू भैया क्या खा रहे हैं मकुइया। और उधर भी कुछ लोग देखो हमारे उधर रोड की तरफ खड़े हुए हैं भैया। और कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है यार। तो अभी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, और वो देखो एक भैया छोटे बिल्कुल ऊपर निकल गए, कांटे नहीं लगते क्या? अच्छा, तो मैं भी आ जाऊं क्या? तो अभी गाइज आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं पेड़ के ऊपर चढ़ने, क्योंकि हमारा दोस्तों बचपन याद आ गया। हम भी यहाँ कभी बकरियाँ चराने आया करते थे, छोटे छोटे से थे तब आते थे दोस्तों के साथ में। तो इन लोगों को देखा तो हमको अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को भी हम वही फीलिंग दिखाते हैं। तो ऐसे पेड़ हुआ करते थे, इन पर हम चढ़ते हैं दोस्तों, लेके आते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये, तो अब हम देखो यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं ये थोड़े छोटे छोटे से फल होते हैं, ये वाले आप देख सकते हैं, और ये भैया हमको दे रहा है ये वाले जो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल काले काले, इनको खाओ बहुत जबरदस्त लगता ही है। तो हम इनको थोड़ा, इनको पहले खट्टा बहुत लगता है, ऐसा है क्या? बहुत खट्टा है, एकदम से दांत खट्टा हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग खाते थे, पॉकेट में भर लेते थे, और बाद में खाया करते थे, और पूरा दिन खाते थे जब तक यहाँ शाम तक रुकते थे, ऐसा है क्या? यस। तो अभी हम भी तोड़ते हैं यहाँ पे, ला यार भैया। तो ये देखो हमारे साथ में टोपी बाज है, और टोपी बाज भी बढ़िया तरीके से अपना देखो जेब वगैरह सब फुल कर लिए हैं, तो अच्छा। और ये देखिए ये काले काले जो फल आपको दिख रहे हैं, और ये भी कच्चे फल हैं, और ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरीके का विशाल वृक्ष होता ही है, और ऊपर भैया देखो जा रहा है, और ये इधर छुटकू जुटे हुए हैं बकरियों की तरह, हैं जुटे हो, मस्ती ले रहे हैं भैया। हम आ चुके हैं बिल्कुल ऊपर, और ये नीचे आप देख सकते हो ये रहा है कंप, और क्योंकि हम एक उस पर खड़े हुए हैं। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और मिलते हैं अभी मकुइया तोड़ने के बाद। कुछ लोग देखो यहाँ पर भी आ गए हैं, ये सब देखो मकुइया खाने खाने के लिए। तो मकुइया स्कूल स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हैं। अच्छा, छुट्टी थी क्या? आज छुट्टी है? नहीं। तो और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बढ़िया है, पढ़ो लिखो और बढ़िया नाम रोशन करो सभी का, अपने माता पिता का। और ये बच्चे भी देखो बहुत प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, देश का भविष्य हैं। और यहाँ पर हम लोगों के साथ में मिल गए, तो हमने सोचा आप लोगों को भी अपने यहाँ का जो गांव की दोस्तों ज़िंदगी जो होती है वो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी होती ही है, आप लोग जानते हैं। इतना गाँव के लोग काफ़ी दूर दूर तक भी लोग खेलने निकल जाते हैं, जबकि ऐसा सिटी में नहीं हो पाता है। और छोटे छोटे बच्चे भी आज़ाद होते हैं, यहाँ खूब घूमते हैं, खूब खेलते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, अभी आप लोगों को और मज़ा आएगा।
का दे दे मामा मकोया ले मामा ले मकोया तोड़ो ले हैं तोड़ लो कौन से तोड़ोगे अरे वाह तो ये अभी हम नीचे आ चुके हैं और अब हम निकलेंगे उधर और रोड पे पहुंचते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये एक छोटकू देखो भगा जा रहा है। ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं ये कुछ अजीब नहीं लगती आपको? ये जबरदस्त लोकेशन और इसके ऊपर ये सब कटीले वृक्ष होते हैं और इनमें छोटे छोटे फल आते हैं बेर, इनको मिनी बेर भी हम बोल सकते हैं। और अभी हम इस समय वही खड़े हुए हैं और बाइक को हमने यहाँ पर खड़ा किया है। बाइक हमारी यहाँ पे, बाइक बोले तो मेरी धन्नो और मेरी धन्नो इधर खड़ी हैं क्योंकि धन्नो की तो भाई हम ज़्यादा केयर करते ही हैं। और इधर भी कुछ लोग देखो, हमारे ये चाचा जी और ये छोटे छोटे बच्चे इधर घूम रहे हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, यहाँ बकरिया चराने सब लोग आए हैं, मकोया खा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छे फल हैं, खट्टे मीठे अच्छे फल लगते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और हमको भी, हमने भी आप लोगों को देखा तो हमने सोचा कि आप लोगों से बात किया जाए और बहुत अच्छा लगा, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो और ये देखो छोटा छोटा सा ये मेमना, वाओ क्यों 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 क्यों, ये देखो इसको पकड़ो भाई, पकड़ो भाई इसको, देखो बकरिया का। अच्छा ये अच्छा कितने दिन का है ये? 15-20 दिन का है। अच्छा 15-20 दिन का मात्र? बस अच्छा, तो अभी ये खाता है कि दूध ही पीता है? दूध ही पीता। वाओ, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और अब चलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पर। वीडियो में बने रहिए। तो अभी आप देख सकते हैं हम निकल चुके हैं घर की तरफ और बढ़िया तो लग ही रहा है और नया सड़क बन चुका है दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले जब हम वीडियो अपलोड करते थे तो उस पर आपको ये नया सड़क नहीं देखने को मिलता था और अभी क्या है कि ये अभी आप देख सकते हो सामने ये बिल्कुल नया सड़क रेडी हो चुका है और ये है गांव की वादियाँ। जिस दिन मेरे बाबा जी मुझे तो, ये है गांव की वादियाँ और ये है गांव का लोकेशन, गांव का जो लाइफ होता है दोस्तों एकदम से गांव का दोस्तों लाइफ होता है, एकदम से खतरनाक होता है, मजेदार होता है, कहीं भी घूमो कहीं भी जाओ बहुत अच्छा लगता है।